भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज हैमिल्टन में खेला जा रहा है, जहां पर न्यूजीलैंड के कार्यवाहक कप्तान टॉम लेथम ने आज पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की तरफ से पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने डेब्यू किया और बेहतरीन साझेदारी की 50 रनों की। इसके बाद दोनों ही आउट हो गए। विराट और श्रेयस अय्यर के बीच एक शतक की साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत भारत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। बता दें आपको कि इस बीच श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया है, जिसके बाद अब टीम इंडिया की नजर अब 325 से 350 के स्कोर पर है। बड़ी बात यह है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच विराट के आउट होने के बाद एक जबरदस्त साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने एक बड़े स्कोर को बनाने की अब ठान ली है। करीब 43 ओवर में भारत का स्कोर 277/3 है, लेकिन इस बीच श्रेयस अय्यर ने अपने करियर का पहला शतक जड़ा है। बड़ी बात यह है कि श्रेयस अय्यर का ये शतक बेहद खास है, क्योंकि भारत के लिए अब नंबर 4 का पूरे तरीके से दावेदार हो चुके हैं श्रेयस अय्यर। उन्होंने 101 गेंदों में अपना पहला शतक पूरा किया, 11 चौके और एक छक्का उन्होंने अपनी पारी में लगाया। वहीं केएल राहुल भी 41 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। ऐसे में भारत आसानी से 325 से 350 के बीच बनाएगा, ये बात अब लगभग तय नजर आ रही है। भारतीय टीम की जितनी भी परेशानी थी वो अब पूरे तरीके से दूर हो चुकी है। आज शानदार बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने की है। रोहित शर्मा का ना होना और विराट कोहली का आउट हो जाना, ऐसा लग रहा था कि भारत जो है वो बेहतर नहीं खेल पाएगा, लेकिन आज जबरदस्त बल्लेबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने की है। अब देखना है कि भारत कितना बड़ा स्कोर खड़ा करता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।